नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको दीपमणिका पाठ 4 सुवचनानि में दिए गए श्लोकों के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं इसमें श्लोक उच्चारित करूंगी, उसका अर्थ भी बताऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे और श्लोकों को याद करने का प्रयास करेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम्, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। अर्थ अनुवाद है इसका, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। सुख चाहने वाला या तो विद्या छोड़ दे या विद्या को चाहने वाला सुख छोड़ दे। दूसरा श्लोक, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थितिः। अनुवाद है इसका, दान देने से यश की प्राप्ति होती है, न कि धन को एकत्र करके रखने से। बादलों का स्थान ऊपर होता है और समुद्रों का स्थान नीचे होता है। भावार्थ है कि सदा देने वाले का स्थान ही सर्वोपरि है। तीसरा श्लोक, दुर्जनः सज्जनः भूयात्, सज्जनः शान्तिम् आप्नुयात्, शान्तः मुञ्चेत् बन्धनेभ्यः, मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। अनुवाद है, दुष्ट सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए, तथा जो व्यक्ति मुक्त है वो दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करें। चौथा श्लोक है, जांगयम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो उन्नतिम दिशति पापम करोत अपकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, संगतिः कथय किम न करोति पुंसाम। अनुवाद है, बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी को सत्य बोलना सिखाती है, मान और उन्नति का रास्ता दिखाती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में यश फैलाती है। कहो, अच्छी संगति मनुष्य का भला नहीं करती? अर्थात सत्संगति से मनुष्य का कल्याण है, अच्छी संगति हमेशा ही मनुष्य का कल्याण करती है। सर्पाः पिबन्ति पवनम् न च दुर्बलास्ते शुष्के तृणः वनगजाः बलिनः भवन्ति, कन्दः फलः मुनिवराः क्षप्यन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अर्थात सांप हवा पीते हैं परंतु वे कमजोर नहीं होते, सूखे तिनके खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं, जंगल के कंद मूल फल खाकर भी सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयः, प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अनुवाद है, नीच व्यक्ति बाधाओं के डर से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम प्रकृति के लोग बाधाएं आने पर कार्य को आरंभ करके छोड़ देते हैं, परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार बाधा उत्पन्न करने पर भी उत्तम स्वभाव के लोग आरंभ किए हुए कार्य को कभी नहीं छोड़ते। मैंने अभी आपको सुवचनानि यानी सुंदर वचन, इससे संबंधित श्लोकों को पढ़कर यहाँ सुनाया है आपको और इसका अनुवाद भी बताया है। आप इन सभी श्लोकों को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और इनके अर्थ यानी अनुवाद को भी लिखेंगे और इन्हें
कंठस्थ करेंगे। इसके साथ ही शब्द शक्तियां हैं यानी शब्दार्थ, ये सभी शब्दार्थ आप कॉपी में उतारेंगे और शब्दार्थ के साथ ही नई धातुएं, संयोग युक्त शब्द, समस्त पद, संधि विच्छेद, ये सभी शब्द जो हैं आप कॉपी में उतारेंगे और इन्हें करेंगे। नमस्कार।